समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामवृक्ष यादव ने रीवा में संभाला मोर्चा, लगातार जाकर कर रहे हैं जनसंपर्क, लोगों से मांग रहे हैं आशीर्वाद। हमारे संपादक जावेद अंसारी ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामवृक्ष यादव जी। पिछले कई दिनों से आपने रीवा में डेरा डाल रखा है, लगातार सतत जनसंपर्क के बाद आपने कुछ क्षेत्र में अपनी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत कर दी है। आइए हम उनसे बात करते हैं, आज की तारीख में उनकी पार्टी की रीवा में क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक अपनी पहचान के रूप में, एक अपनी ताकत के रूप में इस चुनाव में, और बिना हमारे समर्थन का किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। मगर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दिया है और बिल्कुल सत्ता के बल पर, शासन के बल पर, पैसे के बल पर, और जनता को डरवा धमका के और गुमराह करके ये मध्य प्रदेश में लोग वोट लेना चाहते हैं। मगर इनके कारनामों से, जो मुख्यमंत्री जी का 5 साल का कारनामे थे, बड़े बड़े घोटाले, बलात्कार, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई और चारों तरफ असंतोष, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का रीवा में बहुत अहम भूमिका होगी। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और हमारे बिना समर्थक। और बीजेपी बिल्कुल हताश है, उदास है, निराश है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री के डरे हुए लोग, प्रधानमंत्री खुद रीवा में आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, बहुत से कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, बाहर से कई हजार कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बुलाए गए हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, हर तरह से लालच दी जा रही है। और मैं समझता हूं कि जनता बिल्कुल इनसे उब चुकी है और इनके किसी भी लालच में, चाहे ये कितनों गुमराह करें, कितनों अपने पक्ष में बात करें, और जनता मानने वाली नहीं है। बीजेपी में असंतोष फैल गया है और जनता निराश है। और हमारी जो तीसरी ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी उभर के आई है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बिना समर्थन से मध्य प्रदेश। अभी आपने कहा कि हम तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आए हैं, विंध्य रीवा में 8 सीटें हैं, 8 सीटों में आप किन किन सीटों पर मजबूत हैं? देखिए, मैं गुड़ जीत रहा हूँ, सिरमौर जीत रहा हूँ, रीवा में आप देख रहे हैं रामायण सिंह के ये अप्रत्याशित वोट मिलेगा इन, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है, सज्जन आदमी है, यहाँ की जनता टेस्ट बदलना चाह रही है। कई हमारा जो मऊगंज है उसमें भी जो हमारा कैंडिडेट है, आप देखेंगे कि उसमें भी अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। पूरे जो गोडवाना से हमारा समझौता है, वो मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा आदिवासी समाजवादी पार्टी के साथ है, और दलित भी साथ है, जिस तरह से इधर माहौल, हर बड़ी जात के लोग भी साथ हैं, क्योंकि अखिलेश जी उनकी नई सोच है और उन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाया है और दुनिया के लेवल पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सड़क बनाया, एशिया का 2-3 नंबर पर पार्क बनाया, अभी जो क्रिकेट मैच हुआ है वो दुनिया का 3-4 नंबर पर जो स्टेडियम हुआ, तो उनको पूरे देश में जनता लाइक करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी बाहर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने का कार्यक्रम यहाँ पर बन रहा है, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी भी आने वाले, अखिलेश यादव जी का दौरा कब का है? 22 से 25 के बीच में अभी डिसाइड नहीं हुआ है, 22 से 25 के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
दौरा है मध्य प्रदेश में, रीवा में। आप देखिएगा प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा वो सरकारी दौरा होगा, अमित शाह का जो दौरा होगा आप देखेंगे वो सत्ता का दौरा होगा, वो सरकार का दौरा होगा, वो रुपये पैसे का दौरा होगा, और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज आएंगे आप देख लीजिएगा दोनों दौरे प्रधानमंत्री और उनके दौरे से आप देख लीजिए कि भीड़ उनसे कई गुना रहेगी और ओरिजिनल भीड़ रहेगी। और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं बाहर से भीड़ मंगाई जाती है, पर हमारे जो हमारी भीड़ होगी ओरिजिनल भीड़ होगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामवृक्ष यादव जी, जिनका साफ तौर से कहना था भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के लोग भीड़ जुटाते हैं, हमारे यहाँ स्वयं में अपने आप भीड़ इकट्ठा होगी, हम 8 में से 2 सीटें जीत रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।